नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान CHO भर्ती 2020 को लेकर के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कट ऑफ को लेकर के। इसके अलावा कोर्ट में भी क्विट लग चुका है इसके अंतर्गत। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पूरी जानकारी। कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा, कितने कट ऑफ गई है OBC SC ST कैटेगरी के अलग अलग वाइज में आपको कट ऑफ बताऊँगा। सबसे पहले देख लेते हैं ये जो सरकार का जो हाईकोर्ट के द्वारा आप देख सकते हो दोस्तों, इसके अंतर्गत बताया गया है जो 159 नंबर का जो रूल है, एप्लीकेशन रूल नंबर है 159 नंबर, हाईकोर्ट द्वारा जो कैविट लगाई गई है उसके अंतर्गत। कैविट क्या होती है, काफ़ी विद्यार्थी पूछ रहे थे कैविट क्या लग गए, सर स्टे लग गया है, क्या लग गया है। तो मैं विद्यार्थी को बताना चाहूँगा कि ये जो हाईकोर्ट के द्वारा एक सरकार को, एक सरकार से जो जवाब मांगा जाता है उसके अंतर्गत सरकार क्विट लगा सकती है अपने जवाब को लेकर के। और स्टे कुछ भी नहीं लगाया, एक तरीके से आप मान सकते हो। और इसके अंतर्गत आप देख सकते हो इसकी जो 31/8/2020 ऑनलाइन एप्लीकेशन है, बीन इनवाइटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्रोल पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नेशनल। इसके अंतर्गत 16/1/2021 को प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑफ, इसमें बताया गया है कि जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें कट ऑफ के बारे में भी कोई भी वो नहीं है कि सरकार ने कट ऑफ जारी क्यों नहीं की है, उनको लेकर के विद्यार्थी कोर्ट में पहुंच गए हैं। कट ऑफ जारी नहीं की गई है, इन सभी बातों को लेकर के सरकार से जवाब मांगा गया है हाईकोर्ट के द्वारा। तो यही होती है कैविट, तो विद्यार्थियों को यही समझाना चाहते थे हम। अब कट ऑफ को लेकर के मैं आपको बताना चाहूँगा कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो दोस्तों, आप कट ऑफ के बारे में जो OBC के जो मेल कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ गई है 68 के आसपास, उनकी कट ऑफ गई है, क्योंकि हम अभी एवरेज ही बता सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ सरकार के द्वारा या ही जो अपने बोर्ड है चिकित्सा द्वारा विभाग के द्वारा अभी तक जारी नहीं की गई है। तो 68 के आसपास से जो मेल कैटेगरी है उनका सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा जो एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, एसटी कैटेगरी के 55 के यानी 55 के आसपास इनका सिलेक्शन हुआ है। और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका 55-56, और जो फीमेल OBC फीमेल में 45 वाले का भी इसमें सिलेक्शन हुआ है। तो अब मान नहीं सकते हम, क्योंकि इसमें डिवोर्स वाले अन्य कैटेगरी के स्टूडेंट भी शामिल है। तो दोस्तों, कट ऑफ आने के बाद ही संपूर्ण जानकारी का पता लग पाएगा। तो आज ये इतना ही था दोस्तों। जैसे ही कट ऑफ के बारे में या जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जैसे ही आपकी जो कट ऑफ फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी, तो उसी के बाद में संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।